नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। दिल से अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपने मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो सिंपली आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम शेयर कर सकते हो और डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम में। ठीक है, ये काम अगर आप करते हो डेफिनेटली आपको हमारी जो संडे की क्लासेस का लिंक है वो आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, लगातार आप सभी के क्वेश्चन आते रहते हैं बार्ट्रॉनिक्स इंडिया शेयर के बारे में, क्वेश्चन पूछते रहते हो आप लोग। तो ये 4 रुपये का शेयर है, ध्यान सुनना, ये स्टॉक का CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर ये कंपनी आपकी उड़ भी सकती है। ठीक है, तो अगर आपको सेफ सेफ खेलना है बहुत, अगर आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट है तो आप दूसरा एक स्टॉक भी पकड़ो सेफ्टी के चक्कर में, क्योंकि अगर इन केस ये स्टॉक यहाँ से उड़ जाता है, ठीक है, स्टॉक पे पैटर्न अच्छा बन रहा है, डेफिनेटली स्टॉक को आप यहाँ बाय कर सकते हो। 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अगर रिवॉर्ड देगा नहीं ये तो 5 से 10 गुने का रिवॉर्ड देके जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इसके एकदम नील है, 0 है। ठीक है, कभी भी किसी पैसों को पैसा डालना हो तो प्योरली आपको टेक्निकल देखने पड़ते हैं, मानो ना मानो। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहाँ से 0 हो जाता है इन केस, तो आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आपको अपना लॉस को कवर करना है तो आप एक इंश्योरेंस को बाय करो। अब इंश्योरेंस बाय करने के क्या करो, सेम एक 4-5 रुपये का स्टॉक आप बाय कर लो, तो सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी या आधी आधी क्वांटिटी दोनों जगह डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर इसमें आप 100 क्वांटिटी बाय कर लो, उसमें 200 कर लो, इस तरीके से आप अपना प्लान करो रिस्क। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है ये 100 क्वांटिटी वाला भी क्या पता आप उस 200 क्वांटिटी से ज़्यादा रिटर्न देके चले जाए, क्योंकि होता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप पनी पैनी स्टॉक्स में काम कर रहे हो तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास है कुछ स्टॉक्स, कुछ स्टॉक नहीं होते मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर ये स्टॉक यहाँ से 0 हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो आप इस स्टॉक को नजर में रख सकते हो, कंट्री कॉन्डो शेयर। ठीक है, उसी पाइप द्वारा आ चुका है 4 रुपये, जहाँ आपको बताया गया था। अगर स्टॉक आपको 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे मिलता है तो आप स्टॉक को एकुमलेट करके चल सकते हो। ठीक है, और ये कंट्री कॉन्डो अच्छा है एज कंपेरिजन आपका बार्टॉनिक्स, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल जब चेकआउट करोगे आप, श्योरिटी पैटर्न चेकआउट करोगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको क्या छोड़ना है, क्या बाय करना है, क्योंकि कभी कभार हम अपने ईगो में आके ना एक ही स्टॉक को बाय करने में लग जाते हैं, वो है बार्टॉनिक्स। हम भूल जाते हैं कि स्टॉक में CIRP प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, एक साल तक स्टॉक का प्राइस वहीं घूमता रहता है और हम एक साल तक स्टॉक को ऐड करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं। तो आप ये गलती ना करते हुए आप ये स्टॉक को भी अपने नज़रों में रख सकते हो, ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। अगर यहाँ 100 शेयर बाय करें एग्जाम्पल के तौर में, यहाँ 200 कर लो, लेकिन ध्यान रखना ये 100 शेयर वाला भी आपको रिटर्न कमा के दे सकता है। आप बोलोगे सर ये कैसा, मतलब क्या लॉजिक हुआ, लॉजिक तो यही है ना भाई। देखो, पैनी स्टॉक्स में अगर आपको ज़्यादा कमाना है, अच्छा कमाना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन में तो चीज़ें रखनी पड़ेगी। अगर छोटा कमाना है, ठीक है, ज़्यादा बिना टेंशन कमाना है, तो भाई जो लोग सब लोग करते हैं, जो आपको न्यूज़ में स्टॉक बताए जाते हैं उनको बाय कर लो। ठीक है, और वो स्टॉक आपको लॉस ही देके जाएंगे हमेशा, क्योंकि होता क्या है ना, आप नए स्टॉक जब ढूंढोगे ना सस्ते में मिलेंगे, तो उस समय उसको कोई बाय नहीं करेगा। जब महंगा हो जाएगा ना, ये बार्टॉनिक्स आपको 20 का मिलेगा, तब बोलेगा अरे भाई ये 20 का हो गया आज, तब आप लोग बाय करोगे, तब आप बोलोगे अबे यार ये कैसे हो गया 20 का, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तब आपको समझ आया कि मार्केट में ना जो चीज़ें आपको बोली जाती है कि प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल, ठीक है, सब अच्छी अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाय करो, लेकिन तो आप बोलोगे अरे यार ये तो सब मैनिपुलेट का गेम है, यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही होता है, यहाँ पर काम करता है आपका सिर्फ मनी मैनेजमेंट, आपका लॉस कि भाई मुझे कितने रुपए का लॉस लेना है स्टॉक में, ये काम करता है, बाकी चीज़ें काम नहीं करती है। तो इससे बढ़िया तो मैं किसी भी पूरे स्टॉक को पकड़ लूँ, वहाँ पर लॉस को डिफाइन कर लूँ, मुझे रिलायंस अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्यों नहीं, वाई नॉट, स्टार्ट तो करके देखो। और मिलेगा क्या, मिल सकता है, मिल सकता है क्या, मिला है लास्ट 20 ईयर्स उठा के देखो, बहुत सारे पेनी स्टॉक, अगर आपने प्रॉपर लॉस डिफाइन कर लिया अपना, अच्छा रिटर्न बना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप देखो एक चीज़ होती है, मैं भी मानता हूँ, लोगों को थोड़ा क्या होता है, वो एक स्टॉक पकड़ के बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, पैसा छोड़ के डाल दिया, अब 0 हो रहा है तो उन्हें तो बोलते नाती पोते हो जाएंगे, तो देख लेंगे अगर ऊपर चले जाएगा, और आपको पता है यार यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपका एक बार ट्रैप हो गया पैसा, ट्रैप हो गया वो नहीं निकलता है, अगर आप उसमें हाथ पैर ना चलाओ जब तक,
राइट। तो इस माइंडसेट के साथ आपको नहीं जाना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, आपको स्टडी करनी है, जितना आप स्टडी करोगे उतना बढ़िया है, और स्टडी करने में ही आपको मजा आएगा, क्योंकि विदाउट स्टडी जाओगे तो खत्म कर दी जाओगे, ठीक है, आप खत्म है फिर, आपका पैसा, आपका टाइम, आपके एफर्ट सब खत्म है अगर आप विदाउट स्टडी जाओगे, मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। तो बार्टोन्स अगर आपके पास है तो इस स्टॉक को भी आप सेफ्टी के लिए बाय कर सकते हो, कंट्री कॉन्डो 3 रुपये 50 पैसे के आसपास, यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है। तो समाप्त करते हैं वीडियोस को, बाकी सुझाव है कमेंट है नीचे कर सकते हो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।